Welcome to Behind the News. I'm your host Halima Sadia. आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक. Happy New Year. 2019 से आज हम जंप कर जाएंगे 2020 में. और as usual, जब हम नए साल में कदम रखते हैं तो हम पिछले साल का जायज़ा लेते हैं कि इस पिछले साल में दुनिया में क्या क्या अहम वाक़यात हुए. जब हम दुनिया में वाक़यात को देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि साउथ एशिया में क्या डेवलपमेंट्स हुई. जी हाँ, सबसे पहले इलेक्शंस हुए जिसमें मोदी गवर्नमेंट रीएलेक्ट हुई. कश्मीर का आर्टिकल 370A जिसके ऊपर बहुत बात हुई दुनिया में. उसके साथ साथ राम मंदिर वर्डिक्ट जिसके अभी तक आप देख रहे हैं, ये सब खबरें अभी भी इन हैं. उसके बाद CAA बिल इंडिया में एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है. इस सारे सिनेरियो के साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में टेंशंस बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें बहुत दफ़ा ऐसा लगा कि जैसे अब तो वॉर हो ही जाएगी, अब तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग होगा. इसके बाद अगर हम वेस्ट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो देखते हैं कि कनाडा में भी इलेक्शंस हुए और लिबरल्स एक दफ़ा फिर इलेक्ट हुए. उसके साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर जो एंड्रू शियर हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ हुआ, उनको स्टेप डाउन होना पड़ा. उसका भी जायज़ा लेंगे कि कंजर्वेटिव पार्टी में क्या हुआ. इसके साथ साथ एनडीपी पार्टी ने अपनी ग्राफ को नीचे लेके गए, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ की, इसकी क्या वजूहत है. इसके साथ साथ अगर हम अपने नेबर कंट्री USA की तरफ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उनकी इम्पीचमेंट हो गई. ये एक बहुत ही बड़ा वाक्या था. थर्ड प्रेसिडेंट हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा हुआ. इस पे हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे. इसके साथ साथ UK जो कि एक बहुत ही अहम मुल्क है और बहुत बड़ा, इस वक्त उसके अंदर भी एक तरह की तब्दीलियां हैं और उसमें भी कंजर्वेटिव पार्टी दोबारा जीती. इन सब बातों को हम लेके आज के इस प्रोग्राम में चलेंगे और इसके लिए मेरे साथ बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर शारदा साहब, हामिद भाषानी साहब और ताहिर इस्लाम गोरा मौजूद हैं. ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इनके लिए किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं. आज का हम प्रोग्राम दो हिस्सों में करेंगे. पहले हिस्से में हम साउथ एशिया को डिस्कस कर लेंगे और दूसरे हिस्से में अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें USA, कैनेडा और UK की तरफ बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. मोदी गवर्नमेंट का री एलेक्ट होना, इसके क्या असरात आप देखते हैं और ये सब इसके बारे में क्या हुआ? सबसे पहले जैसे आपने शुरू किया, मैं भी वैसे ही करता हूँ कि सबको पहले तो 2020 की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इस आस के साथ कि आने वाला जो नया साल है उसमें पीस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ख़ास करके उस रीजन में जहाँ पर 4 लड़ाइयाँ आगे हो चुकी हुई हैं और होपफुली वहाँ के जो लीडर हैं उनको समझ आएगी कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ. मोदी साहब की जो जीत है उसके ऊपर बहुत मैं समझता हूँ आशाएं थीं, बहुत उनकी तरफ देखा जा रहा था. लेकिन जब मोदी साहब ने इलेक्शन लड़ा तब भी हिंदुस्तान जो था वो इकोनॉमिक डाउनफॉल की तरफ जा रहा था और अब भी हिंदुस्तान और डाउनफॉल की तरफ जा रहा है. जितनी भी संस्थाएं हैं दुनिया में, चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, वो सब ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान जो है वो नंबर 1 इकॉनमी का सेंटर होगा. लेकिन अब वही लोग ये कह रहे हैं कि हमें बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री जो कि बहुत जो शीले थे, जो कि एक हमें आस थी कि वो बहुत बढ़िया इकॉनमी को लेकर चलेंगे, कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता खो गए हैं. और मुझे लगता है कि मोदी साहब को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो जो रिज़ल्ट हमने झारखंड में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, हाँ जी बिहार में देखा है, वो रिज़ल्ट आने वाले टाइम में और सूबों के ऊपर भी हो सकता है. जब मोदी साहब सेकंड टाइम आए थे तो मोदी साहब की जो BJP पार्टी थी वो कम से कम 76% लोगों के ऊपर राज करते थे, आज वो सिर्फ 47% लोगों के ऊपर उनकी पार्टी जो है वो राज कर रही है. भाषानी साहब, आपकी तरफ आऊँगी. आप कश्मीरी हैं बैकग्राउंड से और कश्मीर के ऊपर आपकी बहुत गिरफ्त है. तो कश्मीर का आर्टिकल 370A जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा और जिससे बहुत टेंशन्स हैं जो अभी भी अंडर डिस्कशन है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या राय देंगे? ये इस बात आपकी बहुत सही है कि बहुत ही ज़्यादा डिबेट भी हुआ इस पर, कॉन्ट्रोवर्सी भी रही है.
और इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो गई है कि अब इस पर कुछ कहते हुए भी बंदा समझता है कि अपना और लोगों का वक्त ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अब जो है आर्टिकल इटसेल्फ और ये 35 और 370 अब कोई इशू नहीं रहा, चूँकि अब इशू एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच गया है। शुरू शुरू में इसके ख़िलाफ़ एक रद्द अमल था और वो इस तरह का था कि जी हम इसको नहीं मान सकते, या आप इसको रिवर्स करें या आप इसमें कोई ऐसी तब्दीली लाएं। अब मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर इस तरह की कोई सोच जो है वो मौजूद नहीं, चूँकि ये जिस माहौल में ये आर्टिकल नाफज किया गया और उसके बाद जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उसकी वजह से लोग इनफैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर डरने का लफ्ज़ में इस्तेमाल ना करूँ तो मोहतात हो गए। यानी जो होता है ना एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस, वो उन्होंने अपने अंदर जो है वो, जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया, मेरी किसी से बात होती थी 370 अगस्त में तो वो ये कहता था कि हम तो सवाल ही नहीं पता होता कि ये माने जी, ये तो वापस होगा, इसको बदलेंगे। तो आज आके दिसंबर में अगर आप किसी से बात करें तो वो ये कहते हैं कि अगर ये इसमें मज़ीद डिवीज़न ना करें, जो कि अब वहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि जी जम्मू को सन हो के अलग रियासत बना लें, कश्मीर को अलग कर लें, या इवन जम्मू और कश्मीर दोनों को भी फर्दर डिवाइड करके पीर पंजाल और दूसरा कश्मीर रीजन में तो अलग अलग रियासतें बनाने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो ये एक इस तरह की चीज़ है जिसमें फिर लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से खौफज़दा हो गए और अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे जो पॉसिबल राइट्स हैं, मसलन डेमोक्रेटिक राइट्स हैं या रियासत की बाली है, इवन विदाउट 370 और 35 जो कि मेन एक बोन ऑफ कंटेंशन थी, यानी उसको भी अब वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, चूँकि ज़िंदगी टोटली एक बिल्कुल ही नए डगर पे चली गई है उनकी। जिस तरह आप देख रहे हैं ना, जो कि स्ट्रीट्स में है या दुकानें बंद हुए हैं या जो भी कर्फ्यू का वो रहा, तो एक लंबे अरसे के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब एक नेक्स्ट स्टेप है जो अब मोदी साहब के पास है, कि ये उनके लिए एक अच्छा मौका है कि इसको वो अगर इस्तेमाल करके तो एटलीस्ट जो है वो स्टेट जो ऐसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था वो वापस कर दें। वापस से मराद ये है कि स्टेट इवन विदाउट 370 और 35। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि ये हालात में एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली होगी। लेकिन ये 2019 का एक बहुत ही अहम वाक्या है, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत अरसे से एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है मोदी गवर्नमेंट की, मैं समझती हूँ पॉकेट में, कि उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज एज अ लीडर लिया। तो अब आते हैं ताहिर गोरा साहब आपकी तरफ। राम मंदिर एक और बोन ऑफ कंटेंशन, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट, और उसका उसकी रिजॉल्वेशन ये एक बहुत ही अहम वाक्य है, इस पे आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए हलीमा, जो राम मंदिर की बात है वो मैं मोदी गवर्नमेंट का इलेक्शन का मैंडेट तो था या उनका कैंपेन का हिस्सा था, मगर वो क्रेडिट मैं उनको नहीं देता, वो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्रेडिट देता हूँ। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अरसे से, बल्कि सदियों से पेंडिंग मसले को सॉल्व किया, और उससे एक जो अहम बात वो भी सामने आई कि भारत में अक्रॉस द बोर्ड फ्यू एक्सेप्शन के अलावा राम मंदिर के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया, मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ ने भी एक्सेप्ट किया, मेजॉरिटी ऑफ देम, और जिन्होंने उससे डिसएग्री भी किया वो डिसएग्री जो है वो वायलेंस में तब्दील नहीं हुआ। ये अलग बात है कि भारत में वायलेंस हमने 2019 में अगर देखा है तो वो CAA के कॉन्टेक्स्ट में देखा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हालांकि एक्सपेक्ट ये करते थे कि शायद राम मंदिर के वर्डिक्ट के आने के बाद ये होगा। बहरहाल ये दो अहम बातें जो मैं समझता हूँ मोदी सरकार के हवाले से अहम हैं। इसमें एक बात डॉक्टर साहब ने जो की मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मोदी साहब से बहुत सारी तवक्कोआत थी। देखिए जो पहले उनकी गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी हद तक मेंटेन रही जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, सवाए आखिरी एक साल के, लेकिन उनके अभी तक जो 6 महीने आलमोस्ट हुए हैं, 6-7 महीने उनकी गवर्नमेंट को, तो इसमें वो क्वार्टर्स में डाउन गए हैं। मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ मोदी सरकार की कोई इनएफिशिएंसी का ही सिर्फ मामला नहीं है, उसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं और इस पर भी बहस हो रही है। लेकिन अब ये देखना है कि मोदी सरकार आगे आने वाले, यानी ये जो 2020 शुरू हो चुका है आज से, 2020 में उस पर रिकवर पाने के लिए क्या वो इकदाम करते हैं, क्या वो इंटरनेशनल धारे के साथ जुड़े हुए हैं इकोनॉमिक बेहतरी या इकोनॉमिक जो डाउनफॉल है, तो ये चीज़ें हैं जो अब 2020 में हमें देखनी है। चलिए
चलिए इस तरफ आते हैं, एक तो CAA बिल और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि टेंशन्स, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन, तो CAA बिल ने तो जैसे जलती पे तीली का काम किया। देखिए बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान इसमें बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन ये कहा था 370 पे कि मैं हर जगह पर हर फोरम पर जाके इस इशू को रेज करूंगा एंड आई विल मेक इट श्योर कि हिंदुस्तान जो है इसको लागू नहीं करेगा। खैर हिंदुस्तान ने पास कर दिया, लागू भी हो गया। वो दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट संस्थाओं में जाके उन्होंने अपने भाषण भी दिए, यूनाइटेड नेशंस में भी दिए, और हर जगह पर उनको जहां मौका मिलता है वो ये कोशिश करते हैं कि मैं CAA के बारे बात करूं कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त माइनॉरिटीज़, वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं माइनॉरिटीज़ हैं, उनको लफ्ज़ अगर यूज़ करना चाहिए तो वो सिर्फ यही कहें मुस्लिम माइनॉरिटी, जो वो यूज़ भी करते हैं, वर्ड कहते भी हैं। तो उनका ये कहना है कि इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रही है। मैं हिंदुस्तान के बारे में इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, वहाँ पर कभी भी मुसलमानों के ऊपर इस किस्म के नहीं मतलब सख्ती होगी जिस किस्म की सख्ती मैंने पाकिस्तान में जब आज़ाद हुआ था 1947 से अब तक 23.4% वहाँ पर माइनॉरिटी थी, आज वहाँ पर 3.4% माइनॉरिटी रह गई है, ज़बरदस्ती कन्वर्ट किए गए हैं। वो उस किस्म की सिचुएशन हिंदुस्तान में कभी नहीं आएगी, लेकिन CAA को अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में तकरीबन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर उसमें कोई तब्दीली हो तो मुझे नहीं लगती कि वो तब्दीली जो है वो लोगों के सामने आएगी। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर आप एक कंट्री से, इसमें कोई शक नहीं कि जब माइनॉरिटी की प्रोसिक्यूशन हुई है, बांग्लादेश में मैं दो बार गया हूँ वहाँ भी होती है, पाकिस्तान में भी हुई है, तो जब माइनॉरिटीज़ की हो रही है उनको एक्सेप्ट करना, और मेजॉरिटी की जो वहाँ पर जो पाकिस्तान बना था, बशीर साहब के मैंने कई बयान सुने, जो पाकिस्तान बना था वो पाकिस्तान बना किस बेस पर था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक अपना अलग देश बना ले, लेकिन हुआ क्या, 14 करोड़ ऑफिशियल है आबादी, मैं दावे से कह सकता हूँ हिंदुस्तान में 18 से 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है और इतनी पाकिस्तान में, तो वो जितना भी मिलियन लोग मरा, 10 मिलियन लोग जो हैं वो उजड़ गए, वो जो कुछ भी हुआ उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये CAA अल्टीमेटली विल हेल्प द सेटलमेंट ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन किक्ड आउट ऑफ दोज कंट्रीज। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं कि अब हमने साउथ एशिया का एक ओवरव्यू लिया और उसमें हमने देखा कि चीज़ें किस तरह चल रही हैं और ये सब मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन हुई। अब एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और UK के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। Natural sweetener, flavor all. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor all by Greenish. Flavor all from Greenish, now available at Rexall pharmacies. Welcome back. पहले हिस्से में हमने साउथ एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से बातचीत की और उसका ओवरव्यू लिया। अब हम वेस्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कैनेडियन पॉलिटिक्स में क्या हुआ। कैनेडियन पॉलिटिक्स में एक दफ़ा फिर लिबरल्स ने अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाई और अपने आप को मनवाया। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे, लिबरल्स की विन, वजूहात और उसके ऊपर तबसरा। लिबरल नहीं जीती, कंजर्वेटिव पार्टी हारी, इसलिए लिबरल पार्टी जीती। कंजर्वेटिव पार्टी का जो लीडर था एंड्रयू शीयर, वो लीडर बनना ही नहीं चाहिए था। जब वो लीडर बन गया तो उसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी हारी है, ना कि ट्रूडो की वजह से लिबरल पार्टी जीती है। दैट्स नंबर वन, दैट्स माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग। दूसरा ये है कि अब वो माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट बनी है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट में
इमीडिएटली जो लीडर को हटना पड़ा उससे ये पता लग गया कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं करप्शन है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं, इससे हम ये समझें कि ये इलेक्शन बेसिकली दो पार्टीज की ही डिसीजन के बिटवीन ही थे। एब्सोल्युटली, एक पार्टी जो थी जीती हुई हारी है और एक पार्टी हारी हुई जीती है, और हारी हुई जीतने का मतलब ये है कि एंड्रयू शीर को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कंजर्वेटिव पार्टी का ये टाइम था, उनको जीतना चाहिए था, बट दे लॉस्ट मेजरेबली इन द सेंस कि जहाँ विनिंग होनी थी 200 की, वहाँ उनको बहुत ही कम सीटें मिली हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एंड्रयू शीर का चले जाना शायद कैनेडा के फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। आपकी तरफ आती हूँ भाषानी साहब, शीर साहब का स्टेप डाउन करना, शीर साहब का एकदम पहले एक पॉलिटिकल सिनेरियो पे एक और तरह आना और फिर उसके बाद इतनी बुरी तरह पीछे हो जाना, क्या तबसरा करेंगे? देखें, इस पर कोई ज़्यादा तबसरा तो बनता नहीं है, चूँकि अब ये सारा ज़ाहिर है खुल के सामने आ गया है, जिस तरह का भी उनको पीछे हटना पड़ा जो सिचुएशन है। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि जैसा कि इन्होंने कहा, इस वक्त जो रुझान चल रहा है ना, उसमें बहरहाल ये बड़ा आसान था इनके लिए कि वो इलेक्शन जीत सकते थे, क्योंकि जिस तरह का प्रोग्राम वो लेके आए थे वो प्रोग्राम इस वक्त वेस्ट में पॉपुलर है। उसको आप अगर कंपेयर करके देखें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से या इंग्लैंड से या कहीं भी, तो एक रुझान होता है ना लोगों का वेस्टर्न वोटर का, एक वक्त में वो इस तरफ जा सकता था। तो उसमें जो वो इस इतने बुरे तरीके से उनको शिकस्त हुई, उसकी वजह जाहिर है एक ही बनती है कि लीडरशिप अपना रोल प्ले नहीं कर सकी। ये बिल्कुल सही नहीं कर सकी। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि लिबरल भी एक तरह से आ रहे ही हैं, जैसे कि इन्होंने कहा, चूँकि उन्होंने अपनी सीटें जाहिर है लूज़ की हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि ये जो एक रुझान था उससे वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसकी एक और मिसाल आप NDP देख सकते हैं कि NDP ने जो लूज़ किया उसकी वजह यही थी कि ग्राउंड सिचुएशन जो है उनके लिए फेवरेबल नहीं थी। ग्राउंड सिचुएशन जो है वो कंजर्वेटिव न्यू नेशनलिस्ट टाइप की तरफ उसका झुकाव है, जिसका मैं इसी हवाले से ताहिर साहब की ओपिनियन लेने जा रही थी कि जब हम कहते हैं कि पार्टी दो पार्टीज़ के दरमियान ये इलेक्शन था, तो फिर NDP का ग्राफ डाउन हो गया और NDP एक ज़माने में ऐसा लगा जैसे एक ऑल्टरनेट के तौर पर आई है, बहुत पॉपुलर हुई, बहुत आप गई और फिर एकदम नीचे, तो इस पे क्या तबसरा करेंगे? देखिए, असल में NDP की जो पॉपुलैरिटी थी वो इस इलेक्शन में तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं थी, इससे पिछले इलेक्शन में बहुत थी, और उसमें कई दफ़ा ऐसे भी पोल्स आए, लगता था कि NDP जीत जाएगी। मैं 2015 के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। इस इलेक्शन में NDP का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो बच्चों में था, यंगस्टर में था, और ये लगता था कि शायद जितनी सीटें इनके पास हैं ये कुछ से 2-4 ज़्यादा ले लें, मगर वो भी जो बात थी बच्चों की हद तक ही थी। सबको नज़र आ रहा था कि जो क्यूबैक में बिल आया था ख़ास तौर पर ये रिलीजियस सिंबल्स का, उसके बाद वाजे हो गया था कि NDP क्यूबैक से तो वाइप आउट हो जाएगी, और वही हुआ। जब वाइप आउट हुए क्यूबैक से, तो आपके सामने है कि NDP की क्या सिचुएशन रही। NDP बेसिकली तो क्यूबैक से ही वाइप आउट हुए ना, अदरवाइज़ ब्रिटिश कोलंबिया में उन्होंने बल्कि एक दो सीटें गेन की, ऑन्टेरियो में भी सिचुएशन उनकी बुरी ना रही। लेकिन ये जो इलेक्शन था कनाडा का, मैं समझता हूँ 2019 का अगर कनाडा के हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक ही बड़ा वाकया है कि इलेक्शन हो गए, और इलेक्शन में जो मेरे दोनों दोस्त पैनलिस्ट ने बात की वो एग्जैक्टली दुरुस्त है कि इनफैक्ट तीनों पार्टियां हारी हैं, कि NDP भी नीचे गए, लिबरल भी नीचे गए, और कंजर्वेटिव का वोट तो उनको ज़्यादा मिले परसेंटेज, और सीटें भी उनको ज़्यादा मिली, मगर जो इलेक्शन वो जीत सकते थे वो भी वो ना जीत सके, तो वो भी एक तरह से हार हुई। तो इसी हार की वजह से ही हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट देखते हैं। अगर कोई पार्टी यहाँ पर ट्रूली जीती होती तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट ना बनती, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनती। मैं कंजर्वेटिव पर एक कमेंट ज़रूर करूँगा कि कंजर्वेटिव के जीतने का कोई इम्कान नहीं था इस लीडर की मौजूदगी में। अब सवाल ये है कि आगे इलेक्शन शायद जल्दी हो जाएं, चूँकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो नया कंजर्वेटिव का लीडर कौन आता है? अभी तक तो कोई भी बेहतर नाम सामने नहीं आया, और यही ख़तरा है कि जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लिबरल ने की और जो NDP करते हैं वही कंजर्वेटिव ने रास्ता अपनाया हुआ है। अगर ये इसी रास्ते पर चले तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगली गवर्नमेंट फिर
लिबरल की बनेंगी तो शायद मेजोरिटी में बने और कंजर्वेटिव पीछे जाएंगे। इनका कहना कि जैसे कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी थी हिंदुस्तान में फॉर 60 ईयर्स, उस तरीके से अब कंजर्वेटिव पार्टी भी वही बन गई है। देखिए जो लीडर होता है ना, अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता वोटर्स के साथ और उनके साथ वो आई टू आई नहीं मैच कर सकता, तो दैट लीडर कैन नेवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, ये मेरा मानना है। हमारे साथ साथ हमारे हमसाया मुल्क अमरीका बहुत अहम है, उसकी पॉलिटिक्स को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी इम्पीचमेंट हो गई, ये एक बहुत अहम वाक़या था। इस पे आप में से कोई भी अगर तबसरा करना चाहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस पे। चार प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट कार्रवाई शुरू हुई थी, तीन के ऊपर इम्पीचमेंट की जो कार्रवाई है वो सेनेट में गई है, चौथे पे नहीं गई थी, निक्सन ने पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। और आज मैं आपको ये बताता हूँ कि इम्पीचमेंट के बारे में आप कोई भी बात कर लीजिए, इम्पीचमेंट की वजह से आज जो लेडीज़ में ट्रंप की वोट है वो बहुत कम हो गई है। और ट्रंप के माइंड में ये फियर कहीं पैदा हो गया कि अगर मैं हार गया तो मेरे ऊपर मुकदमा ना चल जाए नया जो प्रेसिडेंट आएगा अगर डेमोक्रेट्स का जीत गया। आज ये एक ओपिनियन चल रही है अमेरिका में और लिबरल रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कि अप्रैल तक ये रिज़ाइन कर देगा और रिज़ाइन करने के बाद हैं जी पेंस टेक ओवर कर लेगा और पहला जो ऑर्डर इशू करेगा वो ये करेगा कि ट्रंप के ऊपर कोई भी आने वाले टाइम के ऊपर केस नहीं चलेगा। ये लेटेस्ट आज ही मैं 2-3 आर्टिकल पढ़ के आया हूँ कि अप्रैल, इसीलिए अभी तक वो इम्पीचमेंट का जो इशू है वो सेनेट में नहीं गया और नैन्सी पेलोसी ने उसको रोक के रखा हुआ। आप में से कोई राय जी, डॉक्टर साहब ने जो बात की मैं उसको जरूर आगे बढ़ाऊंगा। मैं इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा ही लगता है कि शायद रिपब्लिकन का जो ऊपर का एलीट इस वक्त है जो इक्तदार में बैठा हुआ है, चूँकि रिपब्लिक कन का कुछ ऐसा एलीट भी है जो इकतदार में नहीं है जो सदर ट्रंप से एग्री नहीं करता, मगर ये जो माइक पेंस हैं वाइस प्रेसिडेंट और सदर ट्रंप जो हैं और इनके आसपास के लोग माइक पॉम्पियो और वो सारे लोग, वो शायद ऐसा सोच रहे हैं कि बजाय कि सदर ट्रंप एक बड़े मसले का शिकार हों क्यों ना वो रिज़ाइन कर दें और उनके ऊपर मुकदमे ना बने। और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि शायद सदर ट्रंप फिर दोबारा रीएलेक्ट हो सकें, क्योंकि वजह यह है कि जिस हम गैप की बात या वॉइड की बात कैनेडियन पॉलिटिक्स में लीडरशिप की देख रहे हैं, वही लीडरशिप का फुकदान हमें अमेरिका में वाज़े तौर पर नज़र आता है। अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन्स हों चाहे डेमोक्रेट्स हों, आप देख लीजिए कि डेमोक्रेट्स के अब तक दर्जनों कैंडिडेट सामने आ चुके हैं कोई भी नेशनल लेवल पे इम्प्रेसिव नहीं है। मुझे पर्सनली वो तुलसी गोदार्ड जो हैं वो फिर भी थोड़ी बहुत अपील करती नज़र आती हैं, लेकिन इनफैक्ट वो भी कोई बहुत बड़ी नेशनल स्टैचर की बड़ी लीडर के तौर पर वो भी मुझे नहीं लगती। तो इस लीडरशिप के वॉइड में चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, दोनों तरफ बुरा हाल है और चूंकि टू पार्टी है वहाँ पे, तो फिर सदर ट्रंप ही एक वाहिद बंदे बचते हैं, एक वाहिद बंदा बचते हैं जो रीएलेक्ट हो सकते हैं। जब ट्रंप साहब रिज़ाइन कर देंगे वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ये पहली कंडीशन होगी, ये पहली कंडीशन होगी। सो उनका रेजिग्नेशन इट सेल्फ टेल्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू कंटेस्ट अगेन, हाँ जी, अदरवाइज उन वो जेल जाने से बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि कहीं डेमोक्रेट का प्रेसिडेंट आ गया जो कि चांसेस नज़र आ रहे हैं, कोई भी हो इट डजंट मैटर, समटाइम पीपल जो हैं वो कैंडिडेट को नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई ये जो पिछला प्रेसिडेंट था उसने क्या किया इसको हटाना है। तो मुझे ये लगता है, देखेंगे 2-3 महीने में। इस पर वैसे एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, कि ये तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के तकाजे हैं ना जो इन दोनों ने पेश किए, गोरा साहब ने भी डॉक्टर साहब ने भी, तो मैं इसको ज़रा नज़रियाती हवाले से देखता हूँ कि इज़ ए वेरी गुड न्यूज़। उसकी वजह ये थी कि खुद रिपब्लिकन के अंदर और अमेरिका के मोस्ट कंजर्वेटिव हल्कों के अंदर भी ये बात बड़ी तशवीशनाक थी कि प्रेजिडेंट ट्रंप जो हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन अखलाकियात जो वेस्टर्न मोरलिटी है पॉलिटिक्स की उसको आर्डली डील कर रहे हैं, और इससे ये तासर पड़ता था कि अब हमारे ईस्ट की तरह, ईस्ट सारा नहीं, ईस्ट में भी बड़ी बात जगहों पर मासूम पॉलिटिक्स है लेकिन हमारे यहाँ जैसे है, तो ये तासर पड़ता था कि अब सियासत में जिसको जो मर्ज़ी करे, झूठ बोले, मुनाफ़त करे, सोशली जो उस पर इल्ज़ाम थे कि वो किस तरह के मामलों में, तो मैं समझता हूँ कि ये अमरीकी कांग्रेस ने एक बड़ी ट्रेडिशन और एक ऐसा इकदाम किया जिसमें ये साबित किया कि डेमोक्रेसीज़ के अंदर ये कुव्वत होती है कि ख्वाह कोई आदमी कितना मजबूत है,
कितना फोर्सफुल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो रास्ते पे चलाया जा सकता है ज़बरदस्ती। पर बिछानी साहब, बिछानी साहब, जो मेजॉरिटी होती है ना, देखिए अब क्लिंटन के अगेंस्ट भी ये इम्पीचमेंट का इशू हुआ था क्योंकि रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी थी। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि मेजॉरिटी वाले अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं कानून को और अपने हिसाब से उसको लागू करते हैं। बेशक उसको सजा ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन ये एक मैसेज है, वो मैसेज वही है ना, वो मैसेज वही है जो मेजोरिटी पार्टी है। अगर ये रिपब्लिकन होती तो शायद कुछ भी ना होता। एग्जैक्टली हाँ जी, तो वो अपनी मनमर्जी करता रहता। तो मेरा अपना ख्याल है कि ही डजंट वांट टू गो टू जेल। लेकिन मैं इसमें एक जरूर जुमला शामिल करूंगा। देखिए, मैं प्रेजिडेंट ट्रंप की जो एक ब्लंडनेस है या उनका जो एक वो जैसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के लीडर हैं, अनकन्वेंशनल किस्म के लीडर हैं, मैं इस बात को पसंद भी करता हूँ। चूँकि इतनी पॉलिटिकल करेक्टनेस खौफनाक हद तक हमारे रवैयों में घुस चुकी है कि एटलीस्ट उस स्टेटस को तोड़ने वाला, चाहे वो कोट अनकोट बदतमीज़ प्रेजिडेंट ही क्यों ना हो, वो भी समटाइम चाहिए होता है। ये एक नेचर का एक कानून है कि जब चीज़ें हद से ज़्यादा मतलब एक मुख्तलिफ डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाए तो एक उस एक्शन के खिलाफ एक रिएक्शन भी बिल्ट होता है सोसाइटीज़ में, और वही रिएक्शन जो है ना हम सदर ट्रंप की सूरत में देखते हैं। लेकिन बहरहाल 2019 अमेरिका में सदर ट्रंप के हवाले से पिछले 2018 और 17 की तरह ही काफ़ी वो हिजान खेज रहा। अब 2020 में अमेरिका के इलेक्शन है, वो देखते हैं कैसे, और भी इंटरेस्टिंग रहेंगे। चलिए, अब सबसे अहम जो इसके बाद इस सारे सिनेरियो में आता है, मलका हर जगह मौजूद हैं, यूके हमारे लिए बहुत अहम है, और यूके की कंजर्वेटिव पार्टी में बोरिस जॉनसन की विन, और इस पे तबसरा, प्लीज। लोग जो थे वो तंग आ चुके हुए थे ब्रेक्सिट के नाम सुन सुन के भी, अब निकलेंगे, कल निकलेंगे, परसों निकलेंगे, सो दे वांटेड टू गिव ए फुल मेजॉरिटी टू जॉनसन भी, अब इसको आप ख़त्म करो। दूसरा जो लीडर है लेबर पार्टी का, वो एक तो होते हैं सोशलिस्ट, एक होते हैं अल्ट्रा सोशलिस्ट, एक होते हैं कम्युनिस्ट कम सोशलिस्ट, वो कहीं वो बन चुका हुआ है और लोग उससे डर गए कि कहीं ये आ गया तो आज की इकोनॉमी में बनेगा क्या हमारा। इसलिए जॉनसन जो है, ही इज़ अनदर ट्रंप बाय द वे, और वो उसने लोगों को जो ये जो कहा कि मैं इकॉनमी को भी ठीक करूँगा। देखिए, कोई एक टाइम था इकॉनमी सिर्फ यूके की होती थी, पाउंड यूके का होता था, स्टर्लिंग ही काउंट होता था, डॉलर तो काउंट ही नहीं होता था, डॉलर तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में आया। तो ये मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत बड़ी जीत है, और जो जीत है उसको लोगों को कन्विंस ये कराना कि हमें ब्रेक्सिट में से बाहर आके इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, हम अपनी होंद दोबारा बनाएं। एंड आई थिंक वहाँ पर जो इस वक्त आने वाले टाइम के ऊपर जो माइनॉरिटीज़ हैं जी, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी अब मनमर्जी नहीं कर सकते, हमें बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और इंग्लैंड में रहते हुए उनके तौर तरीके से चलना पड़ेगा। आप में से कोई इस पे राय देना चाहेगा? हाँ, मैं इसमें थोड़ी सी बात ये करूँगा। देखें, जो ब्रिटिश है ना, ये बड़ी अजीम काम है, बड़े बड़े इन्होंने काम किए लेकिन ब्लंडर भी उससे कोई काम नहीं किए। ये ब्रेग्जिट वाला एक ब्लंडर था बहुत बड़ा, यानी अनबिलीवेबल ब्लंडर था कि कोई सोचने वाली काम ऐसे भी सोच सकती है कि दुनिया सारी, यूरोप सारा क्या सोच रहा है, उन्होंने उसके बरक्स डिसीजन किया। तो दिस इज़, ये उसकी एक और शक्ल है मेरे नज़दीक। रासवाल जो लिबरल का, तो लिबरल ने असल में ये बात इनकी सही है। देखें, आप जो है ना, वो किसी एक पार्टी का एक बेस होता है, लिबरल इज़ ए लिबरल पार्टी। तो आप अगर कहते हैं कि हम लिबरल हैं तो यू हैव टू बी लिबरल। आप लिबरल के बेस में कम्युनिस्ट बन जाएं, कम्युनिस्टों के बेस में लिबरल बन जाएं, जिसे हमारे यहाँ एनडीपी का हुआ था कि थी लेफ्ट पार्टी और पॉलिटिक्स लिबरल की छीनने की कोशिश कर रही थी, यू कैन नॉट डू दैट। अब उस पे जो है लीडर पे ये इल्ज़ाम था कि जी ये कम्युनिस्टों के बहुत करीब रहा, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू बी नियर टू कम्युनिस्ट, लेकिन उसको अपना प्रोग्राम वाज़े तौर पर देना चाहिए था कि मेरे पास जो इकनॉमिक प्रोग्राम है, इट डज़न्ट मैटर कि मैं किसके करीब रहा हूँ, लेकिन मेरा ये प्रोग्राम है। और फिर ये जो बात की ना ताहिर साहब ने, मैं देख रहा हूँ कि ब्रिटिश लेबर ने भी बहुत ज़्यादा अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई हुई है, बहुत ज़्यादा, यानी एक चीज़ किसी की हद होती है ना। अब बरतानिया एक ऐसा मुल्क बनने वाला है जिसमें किसी वक्त भी शरीयत नाफज हो सकती है, इस्लाम नाफज हो सकता है, कुछ इस तरह के काम। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक सख्त और स्टांच किस्म का जो है रिएक्शन है जिसकी वजह से ये लोग जीत गए।
मैं इसमें ये बात ज़रूर शामिल करूँगा जो दोनों साथियों ने कही कि ये जो बोरिस जॉनसन की जीत है या टोरीज पार्टी की कंजर्वेटिव्स की वहाँ पे जो जीत है वो असल में जो डॉक्टर साहब ने बात की कि ब्रेग्जिट को अब क्लीन चिट रहना है। अब हमें देखना कि ब्रेग्जिट है क्या। ब्रेग्जिट तो बुनियादी तौर पर यही था कि बरतानिया का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, और वो क्यों है, वो इसलिए कि जो मैस इमिग्रेशन और मैस रेफ्यूजी इन्फ्लक्स का जो सिलसिला चला पूरे यूरोप में वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा था बरतानिया पे भी। बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो यूरोप से निकल के इधर आ जाते थे, चूँकि सबसे पॉपुलर कंट्री जो है वो बरतानिया है। अब वो उससे बरतानिया तो पहले ही मैस का शिकार है, जिसका जिक्र बशानी साहब ने किया, बरतानिया तो पहले ही वो शरिया लॉ कुछ इलाकों में लगने वाला है, तो मज़ीद शरिया लॉ के हामी चले आ रहे हैं, तो बरतानिया में भी एक रिएक्शन बिल्ट हो रहा था जो अभी वोटर्स ने लास्ट मंथ के इलेक्शन में दिखाया और बोरिस जॉनसन को एक तरह से क्लीन चिट दी कि भाई निकल आओ, भाई अब खुदा के लिए निकलो, ब्रेक्सिट यानी कर लो, ब्रेक्सिट कर लो यानी बरतानिया का कर लो ये इससे दाखला बंद, ताकि हम बच जाएं फर्दर डिटोरिएशन से। लेकिन सवाल ये है कि वो तो शायद अब ब्रेक्सिट करने की तो उनके पास आ गया मैंडेट, वो तो शायद कर ही लें, और करने के बाद जो ऑलरेडी मैस बरतानिया में है, जिसकी तरफ बशानी साहब ने बड़ा सही इशारा दिया, और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तानी ओरिजिन के जो लोग हैं वो काफ़ी हैं, और उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, मिनिस्टर्स हैं कंजर्वेटिव पार्टी में, मगर ऐसे भी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने वहाँ पर शरिया लॉ की तलवार नाफज कर दी है। अब ये इससे बरतानिया बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, ये एक अलग मसला है, चूँकि इससे जीतना भी टोरीज का जमानत नहीं है कि बरतानिया से बच पाएगा। पाँच साल इनके पास हैं हलीमा जी, पाँच साल में अगर वो चाहें, जॉनसन के पास इस कितनी पावर है कि वो ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई काफ़ी रेडिकल चेंजेस ला सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वहाँ पर बने हुए, ऐसी बात नहीं है, ही इज़ ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके, उसको बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा अलॉन्ग विद अपने जॉनसन के साथ। तो देखते हैं आने वाले टाइम के ऊपर कितनी हिम्मत है जॉनसन में, बयानों से तो बड़ी हिम्मत लगती है, लेकिन वो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा ये देखने वाला टाइम बताएगा आने वाले। फिर एक बार 2020 की सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, हालांकि दुनिया में बहुत अहम वाक़यात और भी हुए और बहुत कुछ हुआ इससे रिलेटेड और इसके साथ साथ इससे मुख्तलिफ भी बहुत सारे सिनेरियोस पे, लेकिन हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है, कुछ डॉट्स जो कि बहुत अहम हैं और हिस्ट्री मेकिंग हैं उनके बारे में हमने आज बात की। आज का ये प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, और हम अपने न्यूज़ व्यूज़ और सब प्रोग्राम 2020 में लेके फिर आएंगे।